हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीडो के प्रेडिक्शन में। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया 2023 के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 24 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी होलकर स्टेडियम इंदौर इंडिया में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो इंडिया 5 के 5 मैच अपना विन करके आ रही है। तो यहाँ अगर दूसरी टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 मैच में 3 मैच लॉस और 2 मैच विन करके आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग इंडिया काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे इंडिया 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं न्यूजीलैंड 6 मैच जीत के आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हेड टू हेड में न्यूजीलैंड आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे इंडिया का 70% है तो वहीं न्यूजीलैंड का 40% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का 271 है तो वहीं न्यूजीलैंड का 241 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 409 है तो वहीं न्यूजीलैंड का 337 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 105 है तो वहीं न्यूजीलैंड का 82 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन रहेगी, 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 43% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, अगर फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 307-310 एवरेज बन सकते हैं। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 265 बन सकती है। तो इस पिच पे टोटल अभी तक 5 मैच खेली गई है, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि यह डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर बॉलिंग करने वाली टीम की बात करें तो इस पिच पे चेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टोटल 5 मैच खेले गए जो जिसमें से अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इंडिया या इंडिया का पिच है तो इंडिया काफ़ी अच्छे इस पर परफॉर्मेंस कर सकती है। वहीं अगर एवरेज बात करें तो दोनों टीम को यहाँ सपोर्ट मिलेगी, तो जो भी टीम स्ट्रॉन्ग टीम होगी वो इस पिच पे अपना मैच जीत कर जा सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहले टीम इंडिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, काफ़ी फॉर्म में चल रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछला दोनों मैच ओडीआई अपना जीत के आ रही है, यह थर्ड ओडीआई मैच खेलेगी। वहीं अगर दूसरी टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी टीम है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछला अपना दोनों मैच काफ़ी एवरेज बट हार के आ रही है। यहाँ पे न्यूजीलैंड पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि यह थर्ड ओडीआई मैच होने वाला है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड पूरी फॉर्म में आएगी और मैच जीतने की पूरी कोशिश कर सकती है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया की प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, उमरान मलिक। अगर वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स की बात करें तो टॉम लैथम, डीवॉन कॉनवे, डैरी मिचेल, लॉके फर्गुसन, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए विनर की ओर देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बना रही हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।